विक्रम अन्न उत्पादन, मैं देश के किसानों को, खेतर मजदूरों को, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को, देश में कृषि क्रांति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। हमारे किसान को भी, हमें कृषि बाजार को भी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होता है, वैश्विक बाजार का सामना करना होता है। जनसंख्या वृद्धि होती हो, जमीन कम होती जाती हो, तब हमारी कृषि को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे ले जाना, ये समय की मांग है। और इसलिए आज हमारा पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में आधुनिकता लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए चल रहा है। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। कई लोगों को इस पर आशंकाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है, जिनको आशंका होती है बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं है, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले लोग। मक्खन पे लकीर तो कोई भी कर लेता है, अरे पत्थर पर लकीर करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, जी जान से जुटना पड़ता है। और इसलिए आजादी के 75 साल होंगे तब तक देश के किसानों को साथ लेकर के, कृषि में आधुनिकता ला करके, कृषि के फलक को चौड़ा कर करके हम आज जाना चाहते हैं। बीज से लेकर के बाजार तक हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, और कई नई फसलें भी अब रिकॉर्ड उत्पादन करने आगे बढ़ रही है। ये अपने आप में पहली बार हम देश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे देश का किसान भी विश्व बाजार के अंदर ताकत के साथ खड़ा रहे। आज नई कृषि क्रांति, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, सोलार फार्मिंग, ये नए दायरे खुल चुके हैं, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम खुशी की बात है कि आज हमारा देश दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मछली उत्पादन में पहुंच चुका है, और देखते ही देखते वो नंबर 1 पर भी पहुंचने वाला है।